नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दिग्गज एक्टर राजकुमार ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। फैंस उनकी एक्टिंग के साथ अंदाज के भी दीवाने थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजकुमार एक्टिंग में आने से पहले पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन अपने शौक के चलते एक्टर ने वो नौकरी छोड़ दी और बॉलीवुड में नाम कमाया। लेकिन बावजूद इसके जब एक्टर का निधन हुआ तो उनके अंतिम संस्कार में कोई शामिल नहीं हुआ। आज की वीडियो में मैं आपको असली वजह बताऊंगा। दरअसल राजकुमार की ये इच्छा थी कि जब भी वो इस दुनिया से जाएं तो एकदम शांति से विदा हों। उन्होंने अपनी मौत से काफी पहले ही ये कह दिया था कि उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा कोई भी नहीं बनेगा, न ही उसमें कोई मीडिया शामिल होगी, क्योंकि वो अपनी मौत के बाद किसी तरह का कोई मजाक नहीं चाहते थे। इस बात का खुलासा तब हुआ था जब एक्टर मेहुल कुमार के साथ फिल्म मरते दम तक में काम कर रहे थे। मेहुल ने एक इंटरव्यू में ये बात शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि जब हम फिल्म में उनकी मौत का एक सीन शूट कर रहे थे तो उन्हें गाड़ी में सुलाया गया था। मेहुल ने बताया कि तभी मैंने एक फूल माला उन्हें अपने हाथों से पहनाई तो मुझसे उन्होंने कहा कि जानी अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर जब शूटिंग खत्म हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। राजकुमार ने कहा कि हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बनाते हैं। वहाँ लोग अच्छे अच्छे सफेद कपड़े पहनकर आते हैं, फिर मीडिया वाले भी आते हैं, इसके बाद वो मरे हुए आदमी को सम्मान देने की जगह उसका तमाशा बनाते हैं। मेरी शमशान यात्रा मेरा पारिवारिक मामला है, इसलिए उसमें मेरे परिवार के अलावा कोई और शामिल नहीं होगा। बता दें कि राजकुमार की मौत 3 जुलाई 1996 को कैंसर की वजह से हुई थी और उनके आखिरी सफर में सिर्फ उनका परिवार ही शामिल हुआ था। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।